वेलकम बैक और जनाबे वाला लेक्चर नंबर एट आज हमारा शुरू हो रहा है और लेक्चर नंबर एट से आगे जाने से पहले मैंने सोचा कि हमने लिस्ट और डिक्शनरीज पढ़े थे पिछले लेक्चर में ना उस उसको और दो और टॉपिक्स जो आज हमने पढ़ने टपल एंड सेट्स इन सबको कंबाइन करके थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी में चले जाएं उसकी वजह यह है कि उससे आगे जब हम डिवाइसेस की कॉन्फ़िगरेशन को फाइल रीड करेंगे या फाइल राइट कराएंगे तो मेरे ख्याल में मुझे यूं फील हुआ कि जिस तरह पिछली इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी थी वो मोस्टली एस एस एच पर फोकस था या कनेक्टिविटी टू द डिवाइज पे फोकस था लेक्चर तो इसमें हमें थोड़ा सा मजीद थोड़ा सा टच देना पड़ेगा इतना ज़्यादा नहीं होगा तो हल्की सी क्विक रिविजन हमने लास्ट में लास्ट सेक्शन के अंदर अरे एंड डिक्शनरीज

पैरामिको और नेटमिको दो हमने लाइब्रेरीज़ लाइब्रेरीजी हैं वो यूज की थी और उसके जरिए हमने जो सा डिवाइसिस को आम, कनेक्ट किया था अच्छा आज का एजेंडा जो सा है वो पाइथन डेटा स्ट्रक्चर जिसमें हमने लिस्ट डिक्शनरी सेट्स एंड टपल्स पढ़ेंगे मगर हमारा मोस्ट फोकस लिस्ट और डिक्शनरीज के ऊपर होगा सेट एंड टपल्स के ऊपर इतना ज्यादा नहीं होगा उसकी मेन वजह यह है कि जो सेट्स एंड टपल्स हैं टपल जो से हैं वो बहुत रेयरली यूज हो रहे होते हैं सेट्स कभी कभी हम लोग कंपेरिजन के लिए यूज करते हैं मगर हम सारी की लैब करके देखेंगे टपल टपल को बनाना डिफाइन करना इज नॉट अ बिग थिंग लिस्ट हम लोग जिस तरह आप लोगों को ऑलरेडी ऑलरेडी पता है कि हम लोग लिस्ट कहाँ यूज करते हैं कि जब हमने सिक्वेंशियल लिस्ट ऑफ आइटम्स को अपने पास स्टोर कराना है जिस तरह हमने अरे की बात की थी लिस्ट डिफाइन करने का तरीकेकार क्या है ए बी सी ठीक है स्क्वेयर ब्रैकेट और लिस्ट के अंदर सीक्वेंस होता है अगर मैंने ये सीक्वेंस कर दिया तो जीरो वन और टू की तरह सीक्वेंस है अच्छा मोस्टली फ्रिक्वेंटली यूज है सीक्वेंस है हैोजीनियस है हाइट्रोजीनियस क्या कि अगर मैंने यहाँ पे लिस्ट डिफाइन की हुई है ठीक है मैंने लिस्ट डिफाइन की ठीक है ये मेरी स्क्वेयर ब्रैकेट है ट्रस्ट मी और नॉट और मैंने यहाँ पे कह दिया वन डॉट वन डॉट वन डॉट वन और उसके बाद ए बी सी और यहाँ पे एक्स वाई जी तो ये मेरी लिस्ट बन गई है सही है। तो अब इसमें हेट्रोजीनियस टाइप के इंफॉर्मेशन स्टोर हुई है के साथ लिस्ट बन ये दो से आप लोग एम टी लिस्ट बना सकते हैं अगर मैंने कोई डिवाइस इन्फो के नाम पे लिस्ट बनानी है मैं थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ इसमें क्योंकि हम लोग ये सारा काम कर चुके हैं डिवाइस इन्फो के नाम पे एक लिस्ट बनाई है तो मैंने कहा ये लिस्ट का आईपी एड्रेस यूजर नेम एंड पासवर्ड ठीक है स्ट्रिंग टू लिस्ट ठीक है किसी कोई आपके पास सेट ऑफ स्ट्रिंग है आपने उस सारे के सारे को लिस्ट में कन्वर्ट करना है डिवाइस स्ट्रिंग इज इक्वल टू और ये सारे का सारा स्ट्रिंग है और इसको ये लिस्ट में कन्वर्ट कर लेगा मगर आपने उसे स्प्लिट करना है स्ट्रिंग स्प्लिट बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है दिस इज वेयर इट कम्स माई इंपॉर्टेंट कोड ठीक है अब ये कोड क्या है इंपोर्टेंस इसको भूल जाए ठीक है, के नाम पे एक बनाई, मैंने ओपन विद रीड मोड अब अगर दो लेक्चर पीछे जाएं तो हमने पढ़ी हुई है रीड मोड से अपने फाइल रीड की और उसके बाद मैंने क्या किया उस फाइल की रीड लाइन रीड लाइन नहीं है रीड लाइन एक लाइन में रीड कर रहा हूं ठीक है और मैंने उसे स्ट्रिप किया ठीक है उसकी वाइट स्पेसिस को जो सा खत्म कर दिया उसके बाद मैंने प्रिंट किया रीडिंग लाइन सिंपल टेक्स्ट प्रिंट किया डिवाइसेस डिटेल माय फाइल अंडरस्कोर लाइन माय फाइल अंडरस्कोर लाइन क्या है ये और उसको स्प्लिट कर दिया उसमें अगर कोई इंफॉर्मेशन पड़ी है और कॉमे के साथ पड़ी हुई है तो जो फर्स्ट लाइन में जितनी इंफॉर्मेशन है उसको उठाए और उसको प्रिंट कर दे ठीक है अच्छा जब भी हम डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे होते हैं ना एक लाइब्रेरी बहुत इंपॉर्टेंटली यूज होती है विच इज कॉल्ड प्रिटी प्रिंट ठीक है उसे पी प्रिंट कहते हैं

Um, यही कोड डिवाइस डिटेल डिटेल इज इक्वल टू एक एम टी लिस्ट बनाई है ठीक है माई फाइल इज इक्वल टू ओपन और ये किड्स पाइथन के अंदर डेटा स्ट्रक्चर डिवाइस डॉट टी एक्स टी के अंदर एक फाइल पड़ी हुई है और उस फाइल की हमें मैंने क्या करना है रीड करनी है एक लाइन और उसको स्ट्रिप कर देना है स्ट्रिप क्या फंक्शन क्या कर रहा है यहां पे

अब मैं अगर ये कोड को जाके चला तो होप चल जाएगा टेस्ट किया था मेरे ख्याल में एक दो दिन पहले डी आई आर और हमारे ये का नाम क्या है? रीड लिस्ट ठीक है पाइथन डॉट रीड लिस्ट डॉट पाइथन ठीक है अब इसने क्या किया मेरे लिए वो इंफॉर्मेशन प्रिंट आउट करके ला दिया और कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज के साथ सही हो गया अब अगर यहाँ पे पी प्रिंट के फंक्शन ने ना असल काम नहीं किया जो मैं करना चाह रहा हूँ हालांकि दोबारा मैं कोड रन करूंगा तो हो जाता है वो तो इट इज अ लिटिल बिट ऑफ ट्रबल शूटिंग मे बी मिसिंग आउट समथिंग एनीवे तो ये ये कोड ने आपके लिए क्या किया आपने एक लिस्ट बनाई ठीक है और टेक्स्ट फाइल से डाटा उठा के लिस्ट में डाल दिया अब इस इंफॉर्मेशन को आप कैसे यूज कर सकते हैं सब टू यू तो आपको यहाँ पे मैंने ये सिखाया कि आपने एक फाइल में से डाटा उठा के उसको यूज कैसे करना सही है इसी तरह आप इसको अब अगर जब हम डिक्शनरीज पढ़ेंगे तो क्या आप इस इंफॉर्मेशन को उठा के डिक्शनरी में एड कर सकते हो इस सब टू यू सही है या डिक्शनरी से उठा के डाटा फाइल में सेव कर सकते हो इस सब टू यू ठीक है ये आपके फर्दर होमवर्क बन सकते हैं ये एज़ वी गो लॉन्ग मैं होमवर्क बना रहा हूँ सही हो गया तो यहाँ पर सिर्फ आपका फंक्शन मकसद ये था कि आपको लिस्ट समझ लेना लिस्ट का आपको पता है कि ऑर्डर्ड सीक्वेंस सीक्वेंस नंबर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर मैं यहाँ पे इस लिस्ट को कहूँ कि सीक्वेंस नंबर जीरो में से कोई चीज़ उठा के दे तो वो मुझे क्या ला के देगा टेन डॉट वन डॉट वन ठीक है वो कैसे मैंने कॉल करनी है ये आपकी जिम्मेदारी है फाइंड आउट करना ठीक है हेड्रोजिन उसे कहते हैं कि लिस्ट कैन बी ऑन ऑन अ डिफरेंट टाइप ओके एक टर्म यूज़ होती है म्यूटेबल ओके okay, ये ये है 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 क्या uh, कि आइटम जो इस लिस्ट के अंदर डाला जाता है, वो ऐड भी 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 किया 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 जा है, भी किया जा जा सकता 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 डिलीट इंसर्ट और कुछ भी कर सकते हो है। ठीक है? हम लोगों ने मेरे ख्याल में ये में लास्ट लेक्चर पढ़ा पढ़ा था अगर नहीं तो सिर्फ इस, इस अच्छा, एग्जांपल मैंने कहा कि uh, मेरी जो लिस्ट है उसके अंदर सब लिस्ट क्रिएट हो सकती है ठीक है मुझे लगता है मैं ना uh, थोड़ा सा जंप कर रहा हूँ मेरे ख्याल में हाँ लिस्ट ऑफ लिस्ट्स ठीक है uh, कि लिस्ट के अंदर फर्दर लिस्ट्स ऐड हो सकती हैं जिस तरह मेरी एक लिस्ट है आई ओ एस डिवाइसिस नेक्सस डिवाइसिस एस ए डिवाइसिस अब मैं ऐसे कहता हूँ कि मुझे ऑल डिवाइसिस है और उसके अंदर मैंने सब क्या ऐड की हुई है लिस्ट्स ऐड की हुई हैं ठीक है थीके? ये एक फर्दर लेयर होगी ठीक है कि लिस्ट के अंदर फर्दर लिस्ट ऐड हो सकती है सही हो गया और दूसरी बात ये कि अब हम यहाँ पे पहुंच गए इटिरेशन इटिरेशन ऑफ अ लिस्ट 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 ठीक है 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 एक इंपॉर्टेंट कि के अंदर मल्टीपल आइटम्स पड़े हुए हैं और मैं ये सारे प्रिंट आउट करवाना चाहता हूँ ठीक है तो मैं फोर का लूप लगा के और प्रिंट आईपी करवा सकता हूं मगर जब हम यहां पे पहुंचेंगे जब हमारी स्लाइड यहां पे पहुंचेगी तो ये कोड रन करेंगे अब आ जाते हैं हम डिक्शनरीज की तरफ तो डिक्शनरीज क्या है डिक्शनरी में सीक्वेंस नंबर होता है नहीं होता डिक्शनरी में डिक्शनरी में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है की एंड वैल्यू आप लोगों को ये पता है लास्ट लेक्चर से हम लोगों ने ये सीख लिया था अच्छा अब हमारा यूज कीज देन सीक्वेंस नंबर यू कैन इमीडिएटली गो टू द की ठीक है आपको सीक्वेंस से नहीं जाना पड़ता आप इमीडिएटली जंप कर सकते हो मैं कहता हूँ जी की वैल्यू से फॉर एग्जाम्पल ये हमारे सेफ एग्जाम्पल मैं इसको कहता हूँ ये मेरी की वैल्यूज है ए एस आर ठीक है किधर चला गया भैया पेन ने यूज किया हुआ था भूल गया एस आर मेरी की है ठीक है एस ए मेरी की है तो एस ए के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो मुझे मिल जाएगी। और एस ए के, के अंदर क्या हो सकता है और के अंदर क्या हो ठीक है दैट इज थिंग अब ये यहां पर अब आप न्यू चीजें न्यू चीजे जो एड ऑन हो रही है जो मैं पिछले में define नहीं कर सकता। इस वजह से मुझे यू कैन इमीडिएटली गो टू इफ यू हैव थाउजेंड आइटम यू कैन गो टू स्पेसिफिक आइटम इन सेकंड ज ए डिक्शनरी एंड इट है और यू कैन है के आगे आप एक लिस्ट डाल दें और लिस्ट के अंदर वो तमाम ए एस ए के वर्जन नंबर आईपीड्रेस जो भी है क्योंकि कल को आपको कंपेरिजन करना पड़ सकता है सही हो गया तो उसमें इस्तेमाल हो सकती है नॉर्मली सेट्स के जरिए लोग कंपेरिजन करते हैं मगर दैट डिपेंड्स सही हो गया सॉरी ब्रेक चाय का कपड़ा हुआ था ठंडा हो रहा था अच्छा डिक्शनरी फॉर्म पी प्रिंट इंपोर्ट प्रिंट सिंपल एम लिस्ट आपने बना दी ठीक है ये मैंने बहुत सारे कोड टेस्ट किए और यहाँ पे मैंने आ, ये कॉपीज की भी जम्मेबाजी की हुई है बट वी विल कम बैक टू दैट अच्छा और डिवाइस और यहाँ पे आईपी एड्रेस की वैल्यू वर्जन वैल्यू यूजर नेम वैल्यू पासवर्ड वैल्यू ठीक है ये मेरी लिस्ट है डिक्शनरी uh, है ये एम टी लिस्ट नहीं एम टी डिक्शनरी ठीक है और लिस्ट ऑफ डिवाइसेस जो आपकी डिवाइसेस हैं ठीक है ये आपकी डिक्शनरी प्रिंट हो रही है सही है अभी तक यहां पे जाके देखते हैं अभी अभी भूल जाए हमने ये ये कोड लिखा हुआ है ठीक है कोड बहुत सारा हो गया और मैं मैं भी भूल गया ये कोड मैंने क्यों लिखा था सही है मगर वो विल कम बैक टू इट कंट्रोल एस सही हो गया uh, एक फीडबैक आई थी कि मुझे ना कि आप जो ना ये कोड राइटिंग अवॉइड किया करें उससे लेक्चर लंबा हो जाता है हम लोगों को बात समझ आ जाती है अगर आपको लगे कि यार काशी भाई वी वॉन्ट यू टू राइट अ कोड ऑन द लाइफ ऑन द गो वी कैन डू इट दैट नॉट अ बिग इश्यू बट दैस दैस वेर आई नीड यूर फीडबैक आप लोगों की फीडबैक आनी चाहिए ठीक है तो डिक्शनरी फॉम पाइथन तो हम एज्यूम क्या कर रहे हैं कि मुझे एम टी लिस्ट प्रिंट आउट करके देगा लिस्ट ऑफ डिवाइसिस प्रिंट करके देगा और लिस्ट कह रहे हो डिक्शनरी ठीक है और और क्या करेगा पी प्रिंट से ये प्रिटी प्रिंटिंग भी करेगा देख लेते हैं अभी ठीक है तो हम ठीक uh, है अच्छा अब क्या हुआ है ये जो ये जो आउटपुट आई है ठीक है ये आउटपुट किस कोड की आउटपुट है ये आउटपुट है अः प्रेम डिवाइस ए डिवाइस ए के अंदर जिस डिक्शनरी के अंदर कुछ नहीं पड़ा हुआ था हमारे पास सही हो गया दूसरी आउटपुट आई है हमारे पास डिवाइस बी की प्रिंट और ये पी प्रिंटे हमें प्रिटी प्रिंटिंग दे दी है <laughs> ठीक है ये प्रिटी प्रिंटिंग है और ये हमारे पास ये वैल्यूज वगैरह पड़ी हुई थी सही हो गया अच्छा अब इससे आगे चलते हैं इसे आगे जो सा है हम लोगों ने असाइनमेंट नॉट रियल कॉपी असाइनिंग टू वेरिएबल्स इन द लिस्ट अच्छा ये डिक्शनरीज को हम कॉपी कर रहे हैं और कॉपी करना जोन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये लिस्ट के लिए भी है मोस्टली ये लिस्ट के लिए यूज़ करते हैं कि अगर मैंने कहा डिवाइस सी इज़ इक्ल टू डिवाइस बी तो इसका क्या मतलब होगा कि मेरा एक वेरिएबल जो सा है ठीक है क्योंकि ये डिवाइस सी आपके पास जो सी या कोई डिक्शनरी है ही नहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती मगर मैंने उसको कहा कि डिवाइस सी को भी मे बी वही वेरिएबल डाल दे वही वैल्यूज़ डाल दे जो डिवाइस बी में पड़ी हुई है ये लिस्ट के लिए मोस्टली यूज होता है ठीक है अब जब मैंने ये दो काम कर दिए ये कॉपिंग का प्रोसीजर है और कॉपिंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स है इसमें डीप कॉपी का भी कॉन्सेप्ट है और शेलो कॉपी का भी हम शेलो कॉपी तक जाएंगे हम डीप कॉपी तक नहीं जाएंगे तो ये क्या करेगा मैं मुझे ना मेरे ख्याल में इस आई नीड एम टी पेपर कॉपी लिस्ट ठीक है मैंने अगर कहा मैंने अगर कहा डिवाइस वन लिस्ट इज इक्वल टू डिवाइस टू लिस्ट तो ये क्या करेगा डी ई वी वन डी ई वी टू और एक मेरे पास लिस्ट बनी हुई है वन डॉट वन डॉट वन डॉट वन वन डॉट वन डॉट वन डॉट टू वन डॉट वन डॉट वन डॉट थ्री ठीक है और ये दोनों इसको पॉइंट करना शुरू कर देंगे सही हो गया अगर मैं कहूं कि यार मुझे ये एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि कल को मैं इस लिस्ट के अंदर एक और वेरिएबल ऐड करता हूं तो दोनों लिस्ट जो सी हैं आपस में अपडेट हो जाएंगे मैं ये नहीं चाहता मैं चाहता हूं यार मुझे सेपरेट चाहिए ये होगी असाइनमेंट कॉपी ठीक है डिवाइस वन इज इक्वल टू डि टू नॉर्मली ये लिस्टों के लिए यूज होता है मैंने डिक्शनरी के अंदर डाला हुआ है वैसे ही ठीक है ये आप लिस्ट के साथ करके देखिएगा अच्छा दूसरा दूसरा काम क्या कर सकते हो आप कहते हो कि कॉपी करनी है और मैं चाहता हूं कि जो डिवाइस लिस्ट है वन वो पूरी की पूरी कॉपी हो जाए डिवाइस टू के पास चली जाए ठीक है तो कुछ यूं होगा 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 और ये डिवाइस वन और इसी तरह डिवाइस टू और उसको एग्जैक्टली कॉपी मिल जाएगी 1.1.1.1 1.1.1. अब अगर आप इस लिस्ट के अंदर कोई एडिशन करते हैं तो वो इसके साथ इंटरचेंजेबल नहीं होगा यानी वो इसके साथ इंटरफेयर नहीं करेगा समझ आ गई और इसे ये ये होगी कॉपिंग का कॉन्सेप्ट ठीक है पहला कॉन्सेप्ट था वो असाइनिंग था और ये कॉपिंग था ठीक है वापस हम अपने उस स्लाइड की तरफ चलते हैं जिसमें हम बैठे हुए थे तो अगर आप इस कोड को देखेंगे ये आप लिस्ट के साथ करके देखिएगा मैंने कहा डिवाइस सी इज इक्वल टू डिवाइस बी और मैंने उसको कहा पी प्रिंट करा दे डिवाइस सी को ठीक है अगर मैं इसको सारे को हैश करा दू तो क्या होगा कि जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे पड़ी हुई है वही प्रिंट होके आ जाएगी सही है अगर मैं इसको कहूँ सेव uh, नहीं किया ठीक है वही इंफॉर्मेशन आ गई अब अगर मैं शेलो कॉपी के अंदर जाऊं ठीक है अगर यहां पे अब मैं एडिशन करूं और मैं कहूं डिवाइस लेस सी और डिवाइस लेस बी दोनों को दिखा दे तो वो दोनों को दिखाएगा अब मैं शेलो कॉपी में जाऊं और मैं कहूं कि डिवाइस एक्स ठीक है इसको मैं बंद कर रहा हूं कंट्रोल सी हैश हैश भैया हैश हैश ठीक है ये मेरे पास डिवाइस ए और बी है मैंने कहा डिवाइस एक्स को मैंने कहा कि डिवाइस एक्स कॉपी कर ली जाए ठीक है अब ये डिक्शनरी कॉपी हो रही है डिवाइस एक्स को कॉपी कर लिया जाए और डिवाइस बी के तमाम वेरिएबल्स अब डिवाइस एक्स के अंदर तमाम डिवाइस बी के वेरिएबल्स कॉपी हो गए तो अब मेरे पास डिवाइस एक्स एक सेपरेट लिस्ट बन जाएगी जो कि मेमोरी में, में जगह ले रही होगी और उसको जब मैं प्री प्रिंट करूंगा तो मेरे पास कुछ यूं की आउटपुट आएगी ठीक है ये डिवाइस एक्स जो मेरी डिक्शनरी है उसमें कॉपी होगी डिवाइस बी सही हो गया अब अगर मैं के अंदर जाके एक एडिशन करता हूं में पड़ी थी। और उसमें मैंने कह दिया जी वर्जन नंबर जो सा है ना वो वन पॉइंट वन होना चाहिए तो वो क्या करेगा एक न्यू वर्जन नंबर एट द एंड ऑफ द लिस्ट मॉडिफाई कर देगा यानी ये वर्जन नंबर को डिलीट करके कौन नया वर्जन नंबर ऐड कर देगा और फिर हम उसको प्रिंट करेंगे डिवाइस एक्स को और हम उसको कहेंगे डिवाइस बी को भी प्रिंट कर दे तो हम देखेंगे कि क्या ये चेंज डिवाइस बी के अंदर गई है या नहीं आपके ख्याल में जानी चाहिए या नहीं अगर आप में लोग कहते हैं जानी चाहिए तो आप दोबारा रिवर्स करके थोड़ा सा लेक्चर सुने या फिर दोबारा समझने की को कोशिश करें कि मैंने एक्सप्लेन क्या किया डिवाइस बी हमारे पास थी ये लिस्ट थी हमारे पास ठीक है जब हम असाइनमेंट करते थे ठीक है जब हमने असाइनमेंट की कि हमने कहा एक और लिस्ट बनाओ और उसे भी असाइन कर दो ये वैल्यू ये असाइनमेंट हमने की यहाँ पे मगर वो रियल कॉपी नहीं है ठीक है ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं जो भी पीछे मैंने ड्रॉ करके बताया था अच्छा जब हम कॉपी करते हैं ये मैंने डिक्शनरी यहाँ पे कॉपी कर दी मैंने कहा डिवाइस एक्स एक डिक्शनरी है उसमें सारा कुछ कॉपी कर दो जिसे कहें हम डिवाइस बी और उसको अब प्रिंट कराएं फिर उसके बाद उसको मॉडिफाई करें और फिर दोबारा प्रिंट कराएं और फिर कंपेयर भी करें उसको डिवाइस बी के साथ ठीक है तो अब देखते हैं क्या आता है तीन चार डिफरेंट किस्म की आउटपुट्स आएंगे ठीक है ये मेरी लिस्ट थी ठीक है मुझे मार्कर पकड़ लेते ये मेरी लिस्ट थी और इसमें वर्जन नंबर था 5.something फिर मैंने इस लिस्ट को कॉपी किया और लिस्ट डिवाइस एक्स ये मैं लेजी प्रोग्रामर हूँ एक्चुअली मुझे यहाँ पे करना चाहिए प्रिंट दिस इज अ लिस्ट डिवाइस एक्स ठीक है तो ज्यादा आसान होगा तो आईपी ट्रु पासवर्ड यूजर नेम और वर्जन नंबर 1.1 हालांकि डिवाइस बी के अंदर वैल्यूज वही पड़ी हुई हैं जो पहले से पड़ी हुई थी सही हो गया अब एक मैंने पी प्रिंट से करवाई हुई है एक बगैर पी प्रिंट के कराई हुई है और यहाँ पे दोबारा पी प्रिंट लिखा हुआ है, मगर इस पी प्रिंट ने मुझे वो आउटपुट नहीं दी तो ये ट्रबल शूटिंग का इशू है विच आई एम नॉट वेरी कीन टू डू इट सही हो गया प्रीटी प्रिंटिंग है ये यह। आपको यहां तक आई हो बात समझ आ गई होगी ये डिक्शनरी और कॉपिंग है इसी तरह लिस्ट की कॉपिंग भी इसी तरह काम करती है अच्छा उसके बाद आ जाते हैं हम टपल की तरफ ठीक है टपल काफी इंटरेस्टिंग करेक्टर है, है मुझे रियल इंप्लीकेशन जो इंप्लीमेंटेशन आई कैन नॉट आई कैन नॉट लिंक टू इट मगर टपल क्या करता है टपल कोई का, नहीं करता टपल ये करता है कि और ऑफ मल्टीपल डाटा नंबर ठीक है सर लेट लेफ्ट लेट गो बैक टपल अगेन डेटा स्ट्रक्चर की एक टाइप है और इसमें जो डिफरेंट किस्म का डाटा टाइप हो जाता है टपल इज इम्यूटेबल इम्यूटेबल का मतलब है कि कभी चेंज नहीं कर सकते आप ठीक है अगर आपने उसमें वैल्यूज रख दी तो वो रखी हुई है अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे कॉन्स्टेंट वेरिएबल रख सकते हैं आप कॉन्स्टेंट इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं वेरी गुड पॉइंट तो ये प्रैक्टिकल यूजेज होगी अच्छा एम टी टपल बनाने का कोई फायदा होगा बिल्कुल नहीं होगा ठीक है तो वो सीखने की जरूरत नहीं है ओके उसके बाद सिमिलर टू द लिस्ट बट टपल इज इम्यूटेबल लिस्ट की तरह इम्यूटेबल है ठीक है और कॉल्ड बाय द सीक्वेंस नंबर यूजर नेम डॉट डिवाइस और ये पेरेंथीसिस से शुरू हो जाता है सही हो गया ये यह यहाँ पर मैंने एक छोटा सा टपल बनाया हुआ है ये टपल और ये माई माई टपल बट नो वैल्यू एडिट इसका कोई फायदा नहीं है और ये टपल बना दिया ये डिवाइस इन्फो वेरिएबल पासवर्ड वगैरह सही हो गया अच्छा टपल के अंदर ना एक डिफरेंट टाइप है। अब हम थोड़े से टेंजेंट की तरफ जा रहे हैं इसलिए मुझे बट आदत से मजबूर मैं थोड़ा सा बताता हूँ दीज आर कॉल्ड नेम टपल्स नेम टपल्स क्या है फॉर कलेक्ट इम्पोर्ट नेम टपल आपको ये फंक्शन कॉल करना पड़ेगा इन्फो नेम टपल इन्फो ने वर्जन और फिर डिवाइस इन्फो इन्फो ये पूरे का पूरा टफल डिफाइन कर दिया अब अगर इस डफल टपल डफल. <laughs> इस टपल के अंदर से आपने वर्जन कॉल करना है तो आप की तरह काम कर रहा है। है? मगर इसमें जाके डिक्शनरी क्यों नहीं यूज कर रहे सही हो गया तो इसी वजह से यह थोड़ा सा टेंजेंट पे चला जाता है नेम टपल मगर आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा हो गया होगा अच्छा उसके बाद आ जाते हैं हम सेट सेट क्या होता है सेट बी सी आप कह रहे होंगे यार ये वाली जो ब्रैकेट है ये तो डिक्शनरी में भी देखी वेरी गुड डिक्शनरी में देखी तो फिर इसमें डिफरेंस क्या है सेट और अगर मैं यू कर दूं। ठीक है ये की होगी और ये वैल्यू होगी तो ये डिक्शनरी बन गई और ये सेट बन गया ठीक है हालांकि मैंने नाम दोनों के सेट रखे थे तो आपको डिफरेंस पता चल गया अच्छा इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज है इंटरेस्टिंग चीज एक और ये है कि इसमें डुप्लीकेशन नहीं कर सकते यानी आप ए बी सी के बाद ए दोबारा लिख दें तो डुप्लीकेट हो जाएगा तो ये ए को इग्नोर कर देगा जब आप इसको प्रिंट करेंगे आपको ए बी सी देगा बात समझ रहे हैं तो डुप्लीकेशन से बता बचाता है ठीक है अनऑर्डर्ड कलेक्शन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स रखी हुई है ठीक है नो डुप्लीकेशन मेंबर्स अलाउड इन दिस सेट कोई डुप्लीकेशन आपको अलाउ नहीं कर सकते नो सीक्वेंसेस और सीक्वेंस की आपको जरूरत नहीं होती इसके अंदर अच्छा um, इसके अंदर जो हैं नो कीज एंड वैल्यूज लाइक डिक्शनरी फंक्शन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ये यानी अगर दो सेट है दोनों को कंपेयर करके देख रहे हैं आप लोग या दोनों सेट को कंबाइन करके प्रिंट आउट करा रहे हैं वो यूनियंस ठीक है और प्रैक्टिकल यूज क्या कंपेयर द आयो वर्जन ये एक प्रैक्टिकल यूज हो सकता है उसके अलावा भी बहुत सारे यूजेस हैं मेरे ख्याल में मेरे पास ना इसका कोड भी है कोड uh, कहां पर है यही है ठीक है क्रिएट अ सेप्ट डिट ओस कैट ओ एस नेक्सेस ओएस और उसके बाद हमने डिवाइस सेट ओएस को प्रिंट कराया हुआ चोटा सा, चोटा सा है छोटा सा छोटा सा कोड है क्या नाम है इसका टपल पाइथन टपल और ये हमारा नेक्सेस कैट ओएस आईओएस प्रिंट हुआ है ये पी प्रिंटिंग हुआ, हुआ हुआ ये पी प्रिंट नहीं हुआ भैया हुआ हुआ अच्छा अब अगर मैं अगर मैं इसको हैश कर देता हूँ और मैं कहता हूँ यार भैया ये वाला सेट जरा क्यों भाई ये मेरे ख्याल में अमेरिकन कीबोर्ड बन गया है मेरा हैश क्यों नहीं ले रहा ठीक है अच्छा मैं कहता इसको प्रिंट आउट करते हैं देखते हैं क्या होगा क्या होगा आईओएस कैटओएस नेक्सस आईओएस तो ये आईओएस दो दफा आया तो क्या ये डुप्लीकेट प्रिंट आउट होगा देखते हैं बोला कैटओएस नेक्सस आईओएस ठीक है अच्छा उसने पहले वाला आईओएस काट दिया आखिर वाला दोबारा प्रिंट आउट कर दिया ठीक है और इसी तरह अगर आपने ऐड डिवाइस टाइप अपडेट ये एडिशन कर रहे हैं ठीक है अगर आपने अपडेट करना है और इसको दोबारा प्रिंट आउट करके देखते हैं कंट्रोल एस करते हैं जब हम प्रिंट आउट करेंगे तो ये सी एस आर नहीं दे रहा क्यों नहीं दे रहा आप दे देंगे

एड के जरिए हम अपडेट की वो यूज कर रहे थे एड के जरिए जो आप सी जिस तरह वैल्यू हम ऐड कर सकते हैं जिस तरह मैंने ऐड करना हो ठीक है अपडेट के जरिए आप डिफरेंट सेट भी इसमें ऐड कर सकते हैं और लिस्ट ऐड कर सकते हैं जिस तरह अभी हम लिस्ट ऐड करेंगे ठीक है तो डेव ओ एस टाइप सी एस आर सी एस आर हम इस लिस्ट के अंदर इस डिक्शनरी के अंदर ऐड करते हैं और प्रिंट ओ एस टाइप डिवाइस ओ एस टाइप प्रिंट आउट करके देखते हैं ठीक है पाइथन टप्पोल और हमने देखा Nexus OS, ओ एस नैक्स आई ओ एस कैट ओ एस सी एस आर एड हो गया अब अगर मैं इसके अंदर अपडेट के ज़रिए पूरी की पूरी लिस्ट ऐड करना चाहूँ तो ये ऐड हो जाएगी ठीक है अब अगर मैं रिमूव करना चाहूँ तो मैं इस लिस्ट के अंदर से सी एस आर रिमूव कर सकता हूँ ठीक है आ, इसको सेव कर लें इसको रन करें गलती आ गई भाई लाइन नंबर नाइनटीन के अंदर लाइन नंबर नाइनटीन में क्या गलती है डेप ओ एस अच्छा ओ एस ने लिखा भाई यहाँ पे ठीक है अक्सर दफ़ा जो सा ये वेरिएबल की गलती आ जाती है टाइपिंग के अंदर ठीक है तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है पाइथन के अंदर ये नोट पैड प्लस प्लस के अंदर एक बहुत छोटा सा बेसिक फ़ीचर है तो आपको पता चल जाता है सही है ठीक है देखें आपका सी रिमूव हो गया सही हो गया तो ये ये बेसिक फंक्शंस है मगर इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं सही है अभी अब मैंने सेट के यूनियन और लेंथ ऑफ फर्स्ट सेट जिस तरह अगर आपने लेंथ करानी हो मेरे ख्याल में लेंथ अगर अगर मुझे याद है प्रिंट के साथ मेरे ख्याल में एल ई एन करके और हाँ लेंथ ऑफ फिगर ऑब्जेक्ट एंड टीचर सिक्वेंस मैपिंग कंट्रोल एस चला के देखते हैं अगर नहीं चली मैं ट्रबल शूट नहीं कर रहा छः छः वेरिएबल्स या छः वैल्यूज आपके पास यहाँ पे पड़ी हुई हैं सही हो गया अच्छा आ, उसके बाद उन्होंने सेट देख लिया कॉपिंग लिस्ट लिस्ट इटिरेशन लिस्ट इटिरेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग इटिरेशन इज स्टेपिंग थ्रू द लिस्ट एट वन टाइम ठीक है आप लिस्ट को प्रिंट आउट करें यू वेरी कॉमन एंड यू विल यूज इट अ लॉर्ड यूजिंग फॉर अ स्टेटमेंट ठीक है कि डिवाइस लिस्ट है मेरे पास ये लिस्ट के अंदर सारा कुछ पड़ा अब मैं इस लिस्ट की ना तमाम जो वैल्यूज हैं वो प्रिंट आउट करना चाहता हूँ वन बाय वन कि आप लिस्ट के एक वैल्यू नहीं प्रिंट आउट करें सारी की सारी प्रिंट आउट करें तो आप ये कर सकते हैं वैसे भी प्रिंट डिवाइस लिस्ट भी कर सकते हैं मगर फॉर आई पी एड्रेस इज इक्वल टू And print IP, सिर्फ आप आईपी आई पी प्रिंट करना चाहते हैं मेरे ख्याल में ये कोड मैंने अपने ही कोड में से लिस्ट ऑफ लिस्ट अभी हम बाद में देखते एक्सप्लेनेटरी है जब तक आप ये यहाँ पर पहुंचेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी ठीक है आ, क्या नाम है इसके लिस्ट इटन ये अगर आप सिंपल लिस्ट करते हैं तो यूं आती है अगर जब आप लिस्ट को थ्रू द लूप प्रिंट करेंगे तो आपके पास यूं आ जाएगी ठीक है तो इसका ये एडवांटेज है, आप लिस्ट इटिरेशन के जरिए कर सकते हैं लिस्ट ऑफ लिस्ट क्या आपने एक लिस्ट बनाई दूसरी लिस्ट बनाई तीसरी लिस्ट बनाई चौथी लिस्ट बनाई और अब आपने इन तमाम लिस्ट को आउट करा दिया ठीक है क्योंकि आपने ये तीन लिस्टें नहीं प्रिंट आउट करानी आपने ऑल लिस्ट प्रिंट आउट कराएंगे और इसमें जितने वेरिएबल्स पड़े होंगे सारे के सारे जितने जितनी वैल्यूज़ पड़ी होंगी मैं बहुत इंटरचेंजेबली वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मुझे ये ज़रा ना इसको बंद करने दे ताकि जरा आउटपुट हमारी फ़र्दर क्लीनर आउटपुट हो जाए आई होप आप लोग कैचप कर रहे होंगे ये कोई इतनी ऐसी साइंस चीज़ नहीं है जो पहली दफ़ा हो रही है लिस्ट इटिटेशन और आपके पास ये तमाम चीज़ें आ गई हैं ठीक है एक लिस्ट दूसरी लिस्ट और तीसरी लिस्ट अब मसला ये आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप इस तमाम लिस्ट को थ्रू द लूप रीड करेंगे तो आपके ये तमाम वाइट स्पेसिस वगैरह ख़त्म हो जाएंगे बल्कि आप स्ट्रिप वाइट प्लेस भी करेंगे तो uh, वो हो सकता है ठीक है मगर अब ये मैंने नीचे कोड दिखा दिया मैं अब ये चलाने की ज़रूरत नहीं है होमवर्क के साथ ही चीट की चीट शीट भी दे दी थी। ठीक हो गया तो आज हम लोगों ने जौन है प्रटी मच काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने कवर की हैं और उसके अंदर हम लोगों ने लिस्ट देखी सीक्वेंस नंबर उसके लिए चाहिए होता है ठीक है और हेट्रोजेनेटी है के डिफरेंट टाइप्स ऑफ़ डाटा यूज़ हो सकते हैं लिस्ट के अंदर फर्दर लिस्ट भी स्टोर हो सकती हैं इसी तरह डिक्शनरी डिक्शनरी के अंदर फर्दर लिस्ट भी स्टोर हो सकती है मगर की एंड वैल्यू होती है सेट और डिक्शनरी में सिर्फ इतना फ़र्क है सेट के अंदर वैल्यूज कीज नहीं होती सिर्फ वैल्यूज होती हैं ठीक है मगर सेट की कोई दो प्रॉपर्टी ये है कि सीक्वेंसेस नहीं होती और नो no डुप्लीकेशन होती है और उसमें फिर ऐड भी हो सकते हैं और मल्टीपल सेट्स भी ऐड हो सकते हैं तो ये आप सारे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं मसला यह है कि आपको मैन्यूपलेशन ऑफ डाटा या डाटा आपने रीड किया फाइल से या राइट किया ये सारी चीज़ें और आज के जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट कोड जो आज हमने Uh, किया है वो ये रीड लिस्ट वाला है कि आपने uh, एक फाइल को रीड किया और उसमें से इंफॉर्मेशन ली और उसमें से वाइट स्पेसिस भी स्ट्रिप की और कॉमे से uh, कॉमे की बेसिस पे जो वैल्यू है वो uh, uh, उसे क्या कहते हैं कॉमा डेलीमेटर टाइप का आउटपुट लेके और उसको डिफरेंट वैल्यूज में सेव कर दिया विद इन अ लिस्ट ठीक है और आपकी फिर लिस्ट बन गई सही हो गया खुश रहिए दुआओं में याद रखें फिर मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज़